आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. मेरा नाम वर्षा पाटकर है और मैं डॉक्टर उदय शाह के साई करुणा मिशन रिसर्च टीम में से हूँ. और आज जो मेरा टॉक है एक बहुत ही अलग टॉपिक है, डिवाइन रिलेशनशिप. इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन रिलेशनशिप क्या है. ओके मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके हिसाब से डिवाइन रिलेशनशिप क्या है, मतलब क्या समझ में आता है इससे आपको? एक्चुअली वी कीप रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, अ गुड रिलेशनशिप, दैट इज अ डिवाइन रिलेशनशिप. ओके और कोई? एवरीबॉडी इज डूइंग कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड. या और सेल्फ कनेक्टिविटी विद डिवाइन ऑलमाइटी. ट्रू. तो अब मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं मेरे कुछ साल के मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस से, तो वो सब मैं सारे शेयर करूँगी कि अंडरस्टैंडिंग की डिवाइन रिलेशनशिप क्या है. जैसे आपने कहा कि वो भी सही है, तो सबसे पहले डिवाइन रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज़ इट? इट इज़ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, मतलब क्या बोल सकते हो? अभी ये थोड़ा टॉपिक है ना इंटरैक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये बहुत हटके टॉपिक है और आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस इन अ ब्यूटीफुल वे. बिकॉज रिलेशनशिप हम जब सोचते हैं तो सिर्फ एक मैन और वुमन आता है. कभी हम एनर्जी के बारे में नहीं सोचते या कभी हम डिविनिटी के बारे में नहीं सोचते, इसलिए मैंने उसको डिवाइन के साथ कंबाइन किया. तो कॉन्शियसनेस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो मतलब उसका डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? व्हाट, हाउ वुड यू डिफाइन अवेयरनेस? ओके एंड देन हाउ वुड यू डिफाइन एनर्जी? एनर्जी इज समथिंग वी जस्ट क्रिएटेड इन मूविंग दिस यूनिवर्स. नाउ द एनर्जी व्हिच इज क्रिएटेड इन मूविंग दिस यूनिवर्स. या एंड नाउ द बेसिक फोर्स व्हिच इज ऑलवेज मूविंग. या नॉट स्टैटिक. या मैटर इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मैटर, राइट? तो क्या ये अलग अलग है या एक ही है? एक ही है. माइक्रो लेवल में एक ही है. मैक्रो लेवल में एक है. और जिसको हम बोलते हैं ऑलमाइटी डिवाइन, एनर्जी स्टोर्ड स्टैग्नेटेड इन वन पर्टिकुलर फॉर्म, मैटर, राइट? व्हेनेवर इट इज इन मोशन देन वी कॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग भी देखा जाए तो हम भी एनर्जी का एक फॉर्म है. अगर आज पत्थर को देखा जाए तो वो स्टेबल एनर्जी होती है, लेकिन उसमें भी प्राण है और उसमें भी एनर्जी है. सो दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और एनर्जी. बट हाँ, नहीं है तो फिर कॉन्शियसनेस भी नहीं है. नो एनर्जी. हाँ, कॉन्शियसनेस आल्सो नॉट. नहीं है, नहीं है. एक्चुअली ये थोड़ा डिबेटेबल है. मैं देखा जाओ तो इसमें 87% शायद ना हो, लेकिन 20% आपने मुझे नया टॉपिक दे दिया है. मैं इस पे एक्सप्लोर करती हूँ. चेतना इन एनर्जी दैट मे बी डिफरेंट फॉर्म. यस, क्योंकि जबी भी जो बड़े संत महात्मा हैं जो बोलते समाधि लेते हैं, तो वो एक एनर्जी फॉर्म से ज़्यादा कॉन्शियसनेस में होते हैं. तो थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट 20% मैं हाँ बोलूंगी. 80% सोल. क्योंकि अगर सोल है तो कहीं ना कहीं वो शरीर भी लेता है, वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म भी लेता है, या कहीं ना कहीं वो मैटर में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी को ही तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी वर्बल एनर्जी को के थ्रू दे रही हूँ, मेरे सेंसेस की एनर्जी को दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है. आपको और कुछ पूछना है? नहीं. ओके, सो नाउ वील सी कि कॉन्शियसनेस और एनर्जी क्या है. कि कॉन्शियसनेस टोटल प्योर एनर्जी है. दोनों ही रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है. बट समझना ज़रूरी है कि कॉन्शियसनेस क्या है, एनर्जी क्या है. बट आप कॉन्शियसनेस को तभी एक्सप्रेस और एक्सपेक्ट कर सकते हो तभी आप केओस में नहीं हो. कि आज मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि आप आने से पहले मैंने थोड़ा 2 मिनट बैठी थी शांत, तो मुझे लगा कि मैं मानसरोवर में आके बैठ गई. मतलब आई वॉज इन टोटल कॉन्शियसनेस. मेरे अंदर का जो बाहर का जो केओस है, इससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. कि मेरे इर्द गिर्द अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं
कॉन्शियसनेस में हूँ और अवेयरनेस में हूँ और मेरे अंदर हूँ ना कि मैं बाहर हूँ, तो उसे कॉन्शियसनेस में कहूँगी. और दूसरा है एनर्जी. जैसे इन्होंने भी बहुत अच्छे से कहा कि एनर्जी मतलब क्या, आज जो भी ब्रह्मांड में चीज़ें बनी है वो दिस इज़ नथिंग बट एन एनर्जी एग्जिस्टेंस. गॉड ने जो भी बनाया है वो एक साइंस ने जो भी डिफाइन करता है. आज हम साइंटिफिक वे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वॉट वी एक्सप्लोर. अगर आप मेटाफिजिक्स भी देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट एक्सप्लोर थ्रू एनर्जी. हाउ कैन आई प्रूव थिंग्स? वॉट इज ऑरा? ऑरा इज़ नथिंग बट एन एनर्जी. सो डिवाइन कॉन्शियसनेस नथिंग बट अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट इट्स अ ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी. ओके, तो इसके थोड़ा एक लेवल में आगे जाती हूँ कि मतलब अलग अलग पहलू है डिवाइन रिलेशनशिप्स के. वॉट इज डिवाइन रिलेशनशिप? लोग उसे सोलमेट्स भी कहते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूंगी वॉट इज अ सोलमेट, कि आप कैसे डिफाइन करेंगे सोलमेट को? दिस इज माई एक्सप्लोरेशन ऑफ वॉट इज अ डिवाइन रिलेशनशिप. इवन इवन एज अ सोलमेट्स बोथ आर डिवाइन पीपल. हाउ डू वी रिलेट विद अ सोलमेट? सोलमेट मतलब क्या है? कि वो इंसान जिसे मुझे कुछ सेंसेस के थ्रू बोलने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू रिवील माई आइडेंटिटी टू हिम. ही फाइंड्स मी एंड आई फाइंड हिम. दैट इज़ अ डिवाइन रिलेशन. इट इज़ अ वाइब दैट इज़ क्रिएटेड बाई द यूनिवर्स. अगेन वो एक कर्मा का भी गेम है. हमने क्या किया है, क्या करा है, हमारी कितनी फाइल्स हमने ओपन करके डिलीट की है, हमने कितनी साधना की है, उसके ऊपर भी है. The soulmates are nothing but two. Yes, yes. It is never two bodies. उसमें body का कोई relation नहीं होता. Physical level पे कोई matter नहीं करता. तो वो एक energy level पे soul एक ही होती है. इसके लिए आप कई बार देखोगे कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेते हैं. या तो आप energy के through समझते हो, या तो आप consciousness के through समझते हो, या जिसको बोलते हैं कि silence के through समझते हो. और सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड या वाइफ होना जाए. आज के टाइम में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर ये मन में ठान लेते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिलना चाहिए. बट सोलमेट के बारे में समझने के लिए पहले हम तो जग जाए. अगर मेरी ही क्वालिटी वाइब्रेशनल नहीं है, अगर भले मेरे सोलमेट है, ये दुनिया में है, ये यूनिवर्स में है, यहीं कहीं इर्द गिर्द है, लेकिन मेरी क्वालिटी ही नहीं है, मेरी सोल की लेवल कहीं ना कहीं नीचे है. There are different levels of soul. Divinity के लिए जाने के लिए हमें नीचे के souls को over through करके ही जाना पड़ता है. तो अगर मेरी soul की quality नहीं है तो मेरे soulmate को मैं कैसे attract करूँगी? तो soulmate के अलग अलग forms हैं. जैसे वो husband and wives भी हो सकते हैं. They can be mother father also. क्योंकि finally वो भी एक energy है. एक आप देखा जाएगा तो मदर और डॉटर का, या फादर और डॉटर का एक अलग ही रिलेशन होता है. इट्स अ टोटल डिफरेंट रिलेशन. दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी कलीग्स. देर आर टाइम्स व्हेन यू फील यू आर मैरिड बट स्टिल यू डोंट फील यू नो क्लोज टू योर वाइफ. यू फील क्लोज टू योर फ्रेंड. वाई? बिकॉज कुछ बोले बिना, कुछ सुने बिना हम समझते हैं या वो हमको समझाते हैं. ये कुछ गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वॉट इज़ अ रिलेशनशिप. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मैन एंड वुमन हो, राइट? तो इसमें भी लिखा गया कि वो आपके पास से ही होते हैं. तो अगर मेरा वाइब्रेशनल लेवल, जिसके मतलब जो मेरा एक हर्ट्स होता है, जिसके पर मेरा वाइब्रेशनल लेवल डिसाइडेड है, अगर मैं हायर मास्टर से कनेक्टेड करती हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल अलग होगी, मेरी ऑरा की एनर्जी लेवल अलग होगी. तो अगर वो नहीं है तो मैं अपने सोलमेट से कैसे मिलूंगी? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहे ज़िंदगी में पा सकते हो, लेकिन सोलमेट इज़ अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी एंड इट्स बेस्ड ऑन दैट वाइब दैट यू आर नॉट टू बॉडीज, यू आर वन सोल. तो कहीं से भी आप अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेशन रिलीज करते हो तो आप इस डिवाइन रिलेशनशिप कर सकते हो. और कई बार ऐसा होता है कि ये जन्म मैंने लिया है, अब मैं अवेयरनेस में हूँ, अब सोचती हूँ कि सांसें भी क्या है वो मैं समझने लग गई हूँ. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ अ सोलमेट. बट इन दिस लाइफ हैविंग अ सोलमेट मे बी नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो शायद मैं नहीं करूँगी, शायद मैं हो मेरा सोलमेट होके भी मैं उसे अट्रैक्ट नहीं करूँगी. शायद मैंने अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेके गई. शायद मेरा कोई भी पार्टनर होगा वो कार्मिक रिलेशनशिप होगा, ज़रूरी नहीं कि वो सोलमेट ही हो.
और वो भी इंसान शायद मेरे लाइफ में आना जरूरी है ताकि मुझे अपलिफ्टमेंट मिले. तो यस, इट हैपेंस विद अ पर्पस टू, एंड दैट इज अ डिवाइन पर्पस. सो सोलमेट इज ऑल्सो अ डिवाइन रिलेशनशिप. यहाँ पे आप ईगो नहीं आता है, आपको डर नहीं लगता है, फियर नहीं लगता है. कई बार आप फ्रेंड्स से इतना क्लोज होते हैं कि उनसे कुछ भी कहने के लिए, हमारे टीचर्स फॉर दैट मैटर ऑल्सो, दैट अभी का मुझे पता नहीं एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बट इन माई टाइम्स वी यूज टू बी वेरी क्लोज टू अर टीचर्स, यू नो, वी यूज टू शेयर आर थिंग्स विद द टीचर्स, यू नो. कोई भी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो तो हम टीचर्स से करते थे, बिकॉज वी नेवर हैड दैट फियर कि वो क्या सोचेंगे, कई कम मार्क्स दे दिए तो थ्रेटनिंग थिंग नहीं होती है, राइट? देयर इज नो फियर इन इट. एंड यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. दे कैन लाइक आई सेड, दे कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं. तो वो आपके ही लाइफ में क्यों आए हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं डिविनिटी का रिलेशन है. तो अगर आप अभी अगर एनालाइज करने जाएंगे तो ऐसे और बहुत सारे सोलमेट्स मिलेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही सोलमेट हो, यू कैन हैव मल्टीपल सोलमेट्स. सो दैट इज़ ऑल्सो नथिंग बट एन डिवाइन रिलेशनशिप. उसने भी अपना डिवाइन जो एनर्जी है उसने भी अपलिफ्ट किया है, मैंने भी अपलिफ्ट किया है. तो जिस लेवल पे वो मैच करेंगी, ऑटोमेटिकली वो लोग सारे आपके सामने आएंगे. सो यू विल बी लाइक एन इनर सर्कल एंड यू विल हैव पीपल अराउंड यू. ओके, सो लेट्स सी अनदर पार्ट टू अ डिवाइन रिलेशनशिप. क्या है? शिव शक्ति, पार्वती एंड शिव. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे इट इज़ डन. बट है क्या शिव शक्ति? आता है. मतलब मैं अलग अलग पहलू एक्सप्लोर कर रही हूँ. जैसे इन्होंने कहा कि मैं, मेरे लिए भगवान ही रिलेशनशिप डिवाइन है. जैसे बहुत सारे गुरु जो यहाँ पे आते हैं, अगर सिस्टर शिवानी को देखा जाए तो इनके लिए मैं ये नहीं बोल सकती, मैं उनके लिए बोल सकती कि डिवाइन रिलेशनशिप इज़ विद द गॉड, क्योंकि उनका सोल पर्पज ही अलग है. अगर बुद्धा आते हैं तो उनका रिलेशनशिप जो है, रियलाइजेशन जो है, वो भगवान के साथ है. तो वो एक अलग अलग ही लेवल है. मतलब एनर्जी और कॉन्शियसनेस का प्ले है, और कुछ नहीं है. तो यहाँ पे शिव शक्ति, डिवाइन रिलेशन का मतलब क्या है? शिव शक्ति, अलग अलग पहलू है. अभी व्हाट इज शिव एंड शक्ति? शिव सिंबलाइजेस द कॉन्शियसनेस, दैट इज़ द मैस्कुलाइन, जैसे यहाँ पे आप मेल फीमेल आता है. ओके, एंड शक्ति मतलब क्या है? फेमिनाइन जिसे बोलते हैं. शी एक्टिवेट्स द पावर एंड एनर्जी, इसलिए मैरिज होना ज़रूरी होता है. आज के टाइम में अगर हम कलयुग में देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है. सबका अलग अलग फंडा है, किस चीज़ के लिए आए. कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए, कोई लव एक्सपीरियंस करने के लिए आए, कोई सोलमेट ढूंढने के लिए आया है, कोई अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आया है. बट इट्स सेड दैट अ यूनियन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल एनर्जी कैन फॉर्म अ शिव शक्ति. ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के थ्रू भी हों, वो किसी और शक्ति के थ्रू भी हो सकता है. जैसे इट्स नथिंग बट एन बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग. ओके, एंड दिस इज शक्ति. व्हाट इज शक्ति? इट इज़ नथिंग बट अ प्रकृति. ये एक माँ भी है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वुमन, शी इज़ अ मदर ऑल्सो. शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, सो शी हैज़ दैट फीलिंग ऑफ गिविंग. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट अ शक्ति. एंड शिवा इज़ नथिंग बट कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्योर कॉन्शियसनेस है जो अनशेकेबल है, और जिसको बोलते हैं कि यू नो ऑब्जर्वर है. तो इन दोनों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है. पुरुष हैज़ नो डिज़ायर वेर इज़ इनहरेंट ओनली इन प्रकृति. सो इन दोनों का जब मिलन होता है तो एक शिव शक्ति फॉर्म होती है. इट्स अ बैलेंस ऑफ अ यिन एंड यांग. और उसके बाद आप एक प्योर कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी में आते हो. ओके, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है. आपको खुद को पता चल जाएगा. इट इज़ नथिंग प्लान्ड और नथिंग यू नो अ डेस्टाइन थिंग. इट इज़ ऑन योर सोल एवोल्यूशन एंड ऑल वॉट एवर यू एक्सपीरियंस एंड हाउ यू टेक इट, हाउ योर सोल कोचिंग हैपन्स, इट डिपेंड्स ऑल ऑन दैट. तो डिविनिटी इसमें भी है. तो जिसको हम बोलते हैं कि सम जैसे साधु होते हैं या जो जो ये शिव शक्ति अलग तरीके से करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल के यूनियन है, पुरुष और स्त्री और प्रकृति. हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. अधूरे हैं, एक दूसरे से मिलन होता है. तो वो पूर्ण होता है, पुरुष शक्ति पूरी होती है और वो दोनों भी मुक्त हो जाते हैं. फिर वो वापस शायद वो डिज़ायर की फीलिंग लेके नहीं आएंगे.
सेम थिंग गोज इन सोलमेट ऑल्सो. अगर एक बार हो गया, शायद मेरा इस टाइम का ये नहीं कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए या ऐसा कुछ नहीं, मेरा एवोल्यूशन का लेवल ही अलग है, तो डिविनिटी या डिवाइन रिलेशन ही मेरा अलग है, तो मुझे कोई मायने नहीं पड़ता. मेरी शिव शक्ति विदाउट हैविंग अ मैरिज ऑल्सो कम्प्लीट हो सकती है, या मैं अपनी शिव शक्ति कम्प्लीट करके ही आई हूँ इसलिए मुझे मैरिज इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है. तो मेरा डिवाइन रिलेशनशिप किसी और तरीके से हो सकता है, वो गॉड रियलाइजेशन से हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन से हो सकता है, सोल के थ्रू हो सकता है, किसी के थ्रू भी हो सकता है. अब वो पूरा मेरे हाथ में है कि मैं अपने आप को कितना एवोल्यूट करती हूँ. एक होता है रेवोल्यूशन और एक होता है एवोल्यूशन. रेवोल्यूशन में जागरूकता आती है और एवोल्यूशन में आप ऊपर आते हो, अपलिफ्टमेंट होते हो. तो ये दोनों का एक मिलन होता है. एंड शिवरात्रि इज ऑल्सो, अभी ये मुझे जस्ट रिसेंटली मालूम पड़ा, मुझे पता नहीं था कि शिवरात्रि मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शिवरात्रि. इट इज़ द टाइम व्हेन द प्रकृति, दैट मीन्स द शक्ति, द फीमेल एनर्जी मेट्स विद द मेल एनर्जी. तभी जो हमारी फीमेल एनर्जी जो है, कुंडलिनी जो है, जो ये शक्ति जो है वो नीचे होती है. अब इसे जागरूक आप अगर करते हो तो गलत तरीके से करोगे तो उसके गलत इफेक्ट आएंगे. तो हो सकता है फियर्स होंगे, हो सकता है आप तंत्र साधना में जा सकते हो. लेकिन अगर सही तरीके से, अगर शक्ति और शिव दोनों एक एक जात हो सकते हो, तो आप वननेस में आओगे और उस लेवल की सोल क्वालिटी दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, या वो उसकी अपलिफ्टमेंट हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ अ शिव शक्ति. इट इज़ नॉट अबाउट अ मैन एंड अ वूमन, बट इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू एनर्जीज, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अ फॉर्म ऑफ गिविंग एनर्जी जो मेट हो करते हैं. ओके. एंड शिवरात्रि का जो इम्पोर्टेंस था, जब पार्वती जी गई थी शिव के साथ, तो तभी ये हुआ था एंड तभी उनकी ये कॉन्शियसनेस की एनर्जी मतलब जो एक्सप्लोर की थी. एंड अगर आप मैरिज का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल दोगे, तो शिव पार्वती का एग्जाम्पल is one of the perfect examples of, you know, man-woman relationship या marriage case में देखा जाए तो. तो ये भी एक quality है कि हम divinity कैसे कर सकते हैं, जैसे through the balance of yin and yang. Okay, and that is nothing but a balance of masculine and feminine. ये एक तरीका है divine consciousness और divine relation को experience करने के लिए. अब अलग और पहलू क्या है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट नोइंग योर सोल. जैसे आप कोई कह रहे थे ना कि सोल को जानो, तो वो भी तो एक डिविनिटी ही है ना. अब सोल को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. अगर आप ध्यान करते हो तो आप खुद अपने आप को जान सकते हो. देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्लोर योर सोल, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग, थ्रू गिविंग अदर्स हीलिंग, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू मंत्र जापास, या थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशंस. तो डिवाइन रिलेशन मेरा मेरे साथ भी है. अगर मेरा मेरे साथ ही नहीं है तो मैं भगवान को कैसे जानूंगी. तो मेडिटेशन का दूसरा एक डेफिनेशन ये भी है ना कि अपने आप से अंदर कनेक्ट होना. हाँ, अंदर की जो दुनिया है. हाँ, अंदर की, उससे कनेक्ट. हाँ, बराबर है. इससे परिचित होना. हाँ, तो उसे को मेडिटेशन. हाँ कहते हैं, बट अंदर मतलब क्या, वॉट इज इन साइड. यस, बट हु एम आई. हाँ, बट हु एम आई, हु एम आई इज आई एम अ सोल. तो शॉर्टली मैं बोलूँ तो हु एम आई मीन्स आई एम अ सोल. तो मतलब क्या है कि मैं अपने सोल से कनेक्ट करती हूँ. मेडिटेशन में सिर्फ अंदर में नहीं कनेक्ट करती हूँ. हाउ यू डिफाइन द वर्ड सोल, सोल का क्या मीनिंग होता है? मतलब हमारी अंदर की चेतना बोलते हैं उसको, योर इनर कॉन्शियसनेस चेतना. जो जैसे आपने अभी कहा कि हमारा सोल, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कहने के लिए, बट मेरी सोल अलग अलग जर्नी करके आई है. मतलब जैसे मेरी कहीं जन्म में फीमेल बॉडी रह चुकी है, कहीं मेल बॉडी रह चुकी है, कहीं एनिमल रह चुकी है, तो वो क्या लेके आई है? एक सोल, एक चेतना लेके आई है. समझ रहे हैं? मतलब मैं धरती से नीचे से भी आई, तो कई बार अगर मैं देखती हूँ मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंस से, मैं पूरे धरती के नीचे जा चुकी हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन नीचे से है. मेरे पाँव, मेरा जो नीचे का लोअर बॉडी है, अगर मेरा मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे फियर्स आएंगे. मैं डरती जाऊँगी, सप्रेस रहूँगी, डिप्रेस रहूँगी, क्योंकि मैं ग्राउंडेड ही नहीं हूँ. सो सबसे मेरा प्राइमरी कनेक्शन जो है
जिसे हम बोलते हैं मेरा मदर अर्थ से ही है, तो उसी के थ्रू ही मैंने महसूस किया है, तो उसी के थ्रू ही मैंने वो चेतना ली है, वो नीचे से ही चेतना आई है, धीरे धीरे वो कहीं एनिमल फॉर्म में आई है या ह्यूमन फॉर्म में आई, लेकिन आई तो सोल ही है, चेतना ही सब में गई है। आज भी मैं नहीं बात कर रही हूँ, मेरी चेतना बात कर रही है। बात करने के लिए मैं तो एक बुक लेके भी बात कर सकती हूँ, फिर वो बीटा लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, मेरे सेंसेस के थ्रू कर रही हूँ। अब मैं मेरी चेतना से बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ डिवाइन एनर्जी से मैं भी अभी कनेक्टेड हूँ। तो कई बातें ऐसी है कि शायद मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं। सो इट इज़, मैंने एक बीच में एक लेक्चर अटेंड किया था, NSCI ग्राउंड्स में हुआ था, गुरुआनंद जी करके हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, बहुत सारी बातें मतलब बहुत लॉजिकल कही, मतलब मैं ऐसे कभी जाती नहीं थी पहले, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट एंड आई सैट फॉर आई थिंक 5 hours एंड आई लिसन टू इट। एक्चुअली उनका लेक्चर 1 hour का ही था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि मतलब उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, कि भगवान को मत मानो, भगवान की मानो, भगवान को मत मानो। जैसे हम ब्लाइंडली करते हैं कि यू नो ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, मैं ये करता हूँ तो वो हो जाएगा, ऐसे मत करो, भगवान की मानो, भगवान की मानो, भगवान क्या कह रहा है और वो कब आएगा, जब आपके सोल से आप कनेक्टेड रहोगे। एंड दैट कैन हैपन वेरी गुड थ्रू मेडिटेशन। अगर आप आपकी साधना बढ़ाओगे मेडिटेशन के थ्रू, तो काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब उसी में आ जाएंगे, जो हम अक्सर लोगों के थ्रू या 5 senses के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं, एनर्जी एनर्जी के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो यही मिल जाएगा। और वो भी एक डिवाइननेस ही है, मेरे सोल के साथ बात करना। कई बार हम ऐसा होता है ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये करूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहता है मैं नहीं करूँ, तो वॉट इज़ दैट। एंड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी ऑल्सो दैट के, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने उसका जिक्र भी किया था, हैप्पी एंडिंग, आज के ज़माने की मूवी है, शायद बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, बिकॉज काफ़ी अलग एस्पेक्ट एक्सप्लोर करती है, वहाँ पे मैरिज शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि यिन एंड यांग को बैलेंस कैसे करेंगे। वहाँ पे कर्मा का गेम भी उन्होंने बताया कि मैं कर्मा को भी कैसे डिजॉल्व करूँ, आज को ही एक्सेप्ट कर लो ना, पास्ट तो हम लेके आए, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो चिट्ठा पूरा वो लेके आया, तो आज मैं एक्सेप्ट करते तो आधे तो कर्मा मैं उधर ही डिजॉल्व कर दूंगी। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि कई बार जो वो हीरो होता है, अगर वो अपनी सोल की सुनता है तो वो सही जाता है, भले ही उसे सक्सेस नहीं आता है, लेकिन जब वो अपनी दिमाग की सोचता है और वो लोगों की सोचता है और लोग क्या कहेंगे ये सोचता है, तो वो गलत जाता है। एंड दैट इज़ नथिंग। आज की दुनिया में मैं अगर सोल के बारे में बोलूँगी तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे मुझे, लेकिन मैं अगर ऐसा एग्जाम्पल दूंगी तो वो शायद एक्सेप्ट करेंगे। तो वो उसका एक प्रोटोटाइप होता है। कई बार हमें भी सुनाई देता है ना कि कई बार हम जाते हुए भी ऐसे बहुत बार होता है कि हमारी कहीं कोई आवाज़ पुकारता है, या कई बार ऐसा होता है कि मुझे तो बहुत बार एहसास होता है कि करूँ कि नहीं करूँ, तो आंसर आता है नो। मतलब इतना क्लियर आंसर होता है कि वो येस और नो में ही होता है, तो आपकी सोल बहुत प्योर होती है और बहुत क्लियर होती है। अभी वो पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे आता है नो, डोंट डू इट, वो कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्योंकि वो अपना लॉजिक ही नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि हम जो है इसको जब लेते हैं तो लॉजिक लाते हैं कि मैं ये क्यों नहीं करूं, या मुझे क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैं मेरा ईगो आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था, सोलमेट केस में अगर उनको एक दूसरे की तो बहुत बहुत प्यार और लगाव की भावना होती है, तो वो कभी थ्रेटनिंग नहीं होता है। तो मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, मतलब मेरी शुरुआत कहीं मैंने इसी के थ्रू की हुई है कि पहले सोल को तो जानो, पहले तो सोल को जानने के लिए मुझे मेडिटेट करना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर है आप कितने घंटे दे सकते हैं या कम समय में उतना इफेक्ट कैसे ला सकते हैं। तो शुरुआत में आप चाहे तो 1 घंटा मेडिटेट करो या आधा घंटा मेडिटेट करो, बट धीरे 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 आप आपकी साधना बढ़ाओ। हो सकता है शुरुआत में जैसे ही आप आंखें बंद करोगे 1000 सवाल आएंगे, आने दो, उन्हें रोको मत। या आप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करो, या आप जापा के थ्रू करो। एक बार आपके सांसों पे कंट्रोल आ गया तो आपका मेडिटेशन में जाना बहुत आसान है। सो व्हाट इज़ अ डिवाइन रिलेशन, इट इज़ थ्रू सोल। मेरे लिए प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ थ्रू सोल।
क्योंकि आज मुझे एनर्जी को समझने के लिए, मैं आपकी एनर्जी अंदर की एनर्जी को जानती हूँ, इनके अंदर की एनर्जी को जानती हूँ, इनके अंदर की एनर्जी को जानती हूँ, तो मुझे अगर इनको समझना है तो मैं एज अ पर्सन नहीं समझूंगी, मैं इनकी एनर्जी को समझूंगी कि ये क्या चाहते हैं. यस आई विल फील इट एंड दैट इज नथिंग बट अ ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ अ शक्ति दैट इज शी इज गिविंग बिकॉज दैट इज वाई शी इज अ मदर. वाई अ मेल एनर्जी इज नॉट अ मदर. या ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ रहेगा, इसलिए अ लॉट ऑफ फादर्स आर गुड पेरेंट्स दैन द मदर. तो वो भी है, कहीं ना कहीं उनके ये ना यांग बैलेंस हो गई थी और उन्होंने ये लाइफ में जन्म लिया. ये लाइफ में ऑब्वियसली ऐसे कार्मिक कनेक्शन से वजह से पत्नी तो मिल गई लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो उनका या शिव शक्ति कंप्लीट हो गया. इसके लिए वो देते बहुत अच्छे, रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं. भले लाइफ में मिलना ना, सक्सेस मिलना ना मिलना, वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता. जैसे शायद मैं अपनी शिव शक्ति कंप्लीट करके आई हूँ तो मुझे मेरे लाइफ में मैरिज इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मटेरियल सक्सेस या देना या स्पिरिचुअल सक्सेस देना, ये बहुत मायने रखता है. और धीरे धीरे अध्यात्म में और बढ़ना, ज्ञान लेना नहीं बट देना भी बहुत, क्योंकि लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देना और एक सही माध्यम से देना. तो सम थिंकर से कि शक्ति इज द ओरिजिन. यस आवर ओल्डन डेज ऑल गॉड्स वेयर फेमिनाइन. यस एंड देन मेल हैज कम मच लेटर बिकॉज एट दैट टाइम लाइक यू सेड शक्ति इज गिविंग. यस ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द ओरिजिन इज डेवलप बिकॉज ही गॉट इट फ्रॉम द नेचर. हमें एक्चुअली क्या है कि सब सुनना चाहिए लेकिन हमें हमारे सोल के हिसाब से जो सही है उसे अपनाना चाहिए. मतलब हमारा माइंड एक हमेशा फिल्टर की तरह बनाओ. मतलब इट शुड बी लाइक जो चाहिए वही लो, सब मत लो. कई बार क्या होता है कि दूसरे दिन बोल दिया तो मुझे फियर आ जाता है. क्यों आता है फियर? क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरी एनर्जी डाउन जाएगी, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे डिविनिटी नहीं आएगी. Yes. ये बहुत अवेयरनेस की चीज है. मतलब मैं कई बार कुछ बोलने जा रही हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये नहीं बोलना है. ये बहुत मतलब ऐसा है कि इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग दैट नहीं बोलना है. मतलब अंदर से सोल बोलती है नहीं, इसके लिए बोलते हैं ना, मन इज वेरी पर्टिकुलर बैलेंस सिस्टम. यस बट हमारी बुद्धि जो है हाँ एंड ईगो है हाँ वो इंटरफेयर कर. यस बिकॉज हमारे 9 सेंसेस है ना. मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों आई मैं तो अहम आ गया. हमारे 9 सेंसेस के थ्रू ही तो हम समझ कर रहे हैं. आज जो हम जी रहे हैं ये हमारे मेजॉरिटी जो 9 सेंसेस के कर्मा हमने किए हैं. 5 सेंसेस तो यहां के और 4 कौन से हैं? जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी है, या हमारे दो हाथ है, दो नॉस्ट्रिल्स है. आई एक्सप्लेन यू, हमारे एक आगे स्लाइड में एक आएगा 9 गेट्स टूवर्ड्स. तो काफ़ी सारे हम ये प्राइमरीली 5 सेंसेस है, प्राइमरीली 5 सेंसेस. तो इसके थ्रू हम कर्मास बिल्ड कर रहे हैं. तो आज के लाइफ में जो हम भुगतते हैं ना, ये छोटे मोटे कर्मा भुगत रहे हैं. जो हमारे बड़े कर्मा है वो बहुत पहले के कर्मा है, जब हर एक ने कोई ना कोई साधना की है. अब साधना कभी गलत नहीं होती है, इसका उपयोग कैसा किया जा सकता है. उपयोग मतलब क्या? एनर्जी. एनर्जी फॉर्म में उसको मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ उसके ऊपर मुझे कर्म लगते हैं. राइट जैसे काल सर्प दोष योग. व्हाट इज काल सर्प दोष योग? इट इज नथिंग बट आइदर आपने उस विद्या का गलत इस्तेमाल किया है या आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है. तो मतलब वो दोषास जो है वो बहुत पुराने जमाने से आ रहे हैं. पाप नहीं बोल सकते, पाप थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है. मैं अगर कॉन्शियसनेस के वर्ड में बोलूँ कि मैंने अधूरी साधना छोड़ दी है, उसे मैंने पूरी नहीं की, तो ये जन्म मुझे हर जन्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं करूँ कंप्लीट कि नहीं. अब वो कंप्लीट करना है नहीं करना है वो समझने के लिए भी मुझे कॉन्शियसनेस में आना बहुत ज़रूरी है. कि आज मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरी शिव की साधना अधूरी रह गई थी, तो अब मैं वो जान के उस साधना को पूरी कर रही हूँ. समझ में आ रहा है? तो हमारे जो कर्म है ना, जो बड़े कर्म है ना, वो उस टाइम के.
जो कुछ तांत्रिक आपने कर दिया या यू नो वो तभी तांत्रिक साधना है कुछ जल्दी. तांत्रिक इज नॉट बैड बट अगर आपने कुछ गलत तरीके से उस चीज़ को अपनाना चाहा, इंटेंशन राइट, या गलत एनर्जी के थ्रू किया तो वो खराब होता है. तो वो भी कर्म हो सकते हैं. तो वो कर्मास बहुत बड़े हैं. ये जो मुंह और आँखों से या कानों से सुन के बोल के, ये बहुत छोटे मोटे कर्म है और इसको ट्रांसेंड करना ये बहुत आसान है. अगर आप कर्म को समझोगे या आपको सोल को समझोगे ना तो कर्म को जानना बहुत आसान है. ओके, सो ये भी एक डिवाइन रिलेशनशिप है सोल के साथ. अभी डिवाइन रिलेशनशिप और क्या सोचता है, गॉड रियलाइजेशन. जैसे किसी के लिए भगवान की सोल के ऊपर क्वालिटी के लिए, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि सोल को पहले समझो. और सोल को कहाँ से समझोगे, अपने अंदर जाके समझोगे राइट. एक है कि आप गॉड रियलाइजेशन, जैसे मैंने सिस्टर शिवानी का भी एग्जांपल दिया, मतलब उनको सुनती हूँ तो मतलब ऐसे कि मुझे लगता है कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं बोल रही है, मतलब वही टॉपिक के लिए वो बोलती है जिसके लिए मुझे आंसर चाहिए. हाउ डिड शी नो और हाउ डिड आई नो, बिकॉज शी इज़ कनेक्टेड विद द गॉड. She is not saying it. A consciousness is speaking. And that is also divinity. And that is nothing but God realization. जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले कहा कि भगवान को मत मानो, भगवान की मानो. तो कहीं ना कहीं उनका सो लेवल उनको वो लेवल पे लेके आया कि यहाँ पे उनको सिर्फ गॉड रियलाइजेशन इज नथिंग का ही उनका मेन पर्पज है जीने का, और वही उनका डिवाइन रिलेशन है. कि कई बार हम थोड़े से एक एज क्रॉस करते हैं, लाइक 50 या 55 या 60, तो हम तभी हम भगवान को पूरा यू नो सौंप देते हैं. कभी हम सेवा में जाते हैं, कभी कोई दीक्षा ले लेते हैं, तो तभी वो अपनी डिविनिटी को रियलाइज़ करते हैं. कई बार कुछ जैसे यंगस्टर्स भी आजकल दीक्षा ले लेते हैं, 20-22 साल के लड़के लड़कियाँ भी ले लेते हैं. 20-22 साल के एज में ही उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है. जैसे हमारे एक हमारे ही टीम के एक मेंबर है, मिस्टर भाविक मुनि करके, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था कॉन्शियसनेस के ऊपर. मतलब ही इज़ जस्ट 22 or 23 years old, बट इतनी नॉलेज कहाँ से उनके पास. कॉन्शियसनेस के ऊपर बोलना मतलब एक पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या है, लाइक बहुत हाँ बहुत अच्छा उन्होंने टॉक दिया है उसके ऊपर. तो वहाँ पे एज का कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रिलेशन है कि मैं सोल क्या है और वो मैं इस लाइफ में क्यों आया. या तो मैं फ्री विल से आया हूँ या कुछ मेरे मेरे लिए लोगों ने डिज़ायर्स रखे थे. तो मैं कुछ बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप हेल्प टॉक्स की लाइब्रेरी में भी देख सकते हो. तो डिविनिटी इज़ ऑल्सो अबाउट गॉड रियलाइजेशन. तो आपको कुछ बोलना है, मतलब आप क्या समझते हो मतलब गॉड रियलाइजेशन के बारे में. मुझे ऐसा करना है, मैं आई मे बी रॉन्ग. हां हां, गॉड को अगर देखा जाए, व्हाट इज गॉड, हां, तो अभी वो बहस होती रहेगी है या नहीं. हाँ, है नहीं है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो नेचर, हाँ, प्रकृति भी एक भगवान ही है. तो प्रकृति इज अ बैलेंस सिस्टम. यस, ट्रू. हर एक कुछ परिणाम है, वो कॉज है. हाँ, उसके बिना होता ही नहीं है. कॉज एंड इफेक्ट है, देयर इज एन इफेक्ट है. तो प्रकृति जो है, नेचर इज अ बैलेंस सिस्टम दैट वी कैन कॉल इट एज अ सुपर कॉन्शियस. यस, ट्रू. और गॉड वो पूरा एनर्जी के ऊपर ही चलती है, वेरी परफेक्ट सिस्टम. यस, ट्रू. नो डेविएशन एंड सर्टेन रूल्स आर बाइंडिंग. यस. देन अभी हमारे जो भगवान जो सो कॉल्ड हम बोलते राम है, शिव है, जो भी है, या हर एक रिलीजन में, इसमें मन, अगर अभी मनुष्य का मन जो है वो भी एक बैलेंस सिस्टम है. अभी उसमें फिर बुद्धि है और ईगो है, ये तीन टाइप हो गए. जिसका मन सिंक्रोनाइज हो गया नेचर के साथ, मतलब वो उतनी ऊंचाई पे आ गया, वो गॉड बन गया. कृष्ण देखो, पॉलिटिशियन भी है, सब इसके ऊपर है. सो ही इज उसका बराबर वो एक ऑल. राम को रूप दे दिया आदर्श, पर वो भी मन की आदर्श पति का रूप दे दिया. व्हाटएवर दैट इज सम एंड देयर इज नो मिरेकल. मिरेकल ये बाद में आ गया, पहले मिरेकल का कुछ नहीं था, एनर्जी वर्क ही था. वो आदमी ने उसको मिरेकल ऐड कर दिया उसमें. अभी ये जो मन सिंक्रोनाइज हो गया, गॉड बन गया.
लेकिन हम नहीं वो ऊंचाई तक जा सकते जो हमारी बुद्धि एंड ईगो ऑलवेज मन में इंटरफेयर करता है. बराबर है. तो वो जो जब परफेक्ट हम सिस्टम में आ गए तो वी विल बी आल्सो यस बट वो हमें पॉसिबल नहीं है. कलयुग पॉसिबल है शायद. मैं ये बोलूं कि शायद ये जन्म में नहीं है. शायद ये जन्म में मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस लेने आई हूँ, ज्ञान लेने आई हूँ, सिद्धियाँ लेने आई हूँ, तो वो सिद्धियों का तो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं. तो हो सकता है अगले जन्म में मैं जब जाऊँगी तब वहाँ पे मैं और डिविनिटी एक्सपीरियंस करूँगी, तो वो भी मेरी सोल की एक क्वालिटी है. तो या तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, बोलूँ कि जाने दो, और 10-12 जन्म तो लेने ही है और 500 जन्म तो ले चुकी हूँ, और भी थोड़ा ले लूँगी, इसमें क्या है, अलग शरीर ही मिलेगा, सोल भी तो वही रहेगी, देख चुकी हूँ कहाँ कहाँ से आई हूँ, सारी जर्नी में देख चुकी हूँ मेरी. तो वैसा है, मतलब बोलता है ना कि अंदर का मैटर वही है, वो कवरिंग अलग डाल दिया. क्योंकि आइडियली इवन हिंदू एंड जैसे जो बोलते हैं निर्गुण निराकार, यस, सो दैट इज एनर्जी ओनली, यस, बट गॉड जो है ऑल ह्यूमन बीइंग ही थे, यस, इट इज यूनिवर्सल. अब ऊंचाई में गए तो गॉड बन गए. कई बार ऐसा होता है ना, कई हम इतना ज्ञान लेते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एक ईगो की वजह से या एक चीज़ की वजह से धड़ाम से वो एनर्जी नीचे आती है. अब वो यहाँ से और नीचे भी जा सकती है. अब आपके ऊपर है, मतलब इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इट इज़ जस्ट लाइक इन बैलेंस. बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि एक बार जुबान से बोल दिया तो खलास हो गया. मतलब इट इज़ यू हैव टू बी वेरी अवेयर. सो इट इज़ आइदर यू बैलेंस इट और आइदर यू अपलिफ्ट योर सेल्फ. And it is beautifully explored to meditation. As it is accept नहीं करते, experience है, हमारी बुद्धि बीच बीच में. मैं आता है ना बीच में, मुझे सब पता है. बराबर नहीं है ये. I know everything. Yeah, I know everything. बोलने से नहीं, your thoughts, words and actions, all the three can pull you down. वो भी तो energy ही है ना. हाँ. Finally. तीन रूप में हो सकता है. Yes. क्योंकि. Words and actions. हाँ. अगर आपने कुछ बोला है. बोला ओके और मैं अगर कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ तो आपने कुछ बुरा बोला तो मैं क्या करूँगी, मैं सोचती रहूँगी. अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपका थॉट आपने तो छोड़ दिया, आप हल्का हो गए, लेकिन आया वो थॉट यहाँ से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके मेरे पास आई. अब उसका तो वो आप एनर्जी तो देख नहीं सकते, विजिबल आँखों से नहीं देख सकते, तो आपने रिलीज कर दिया, लेकिन वो आया मेरे पे, अब मैंने उसको अब्जॉर्ब कर लिया. अगर मैं कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ तो मैंने ले लिया. कई बार हम लाइफ में, अगर मैं अभी आपकी मेरी जो जितनी भी लाइफ मैंने जी अभी उसका साइनॉप्सिस देखूंगी तो मैंने तो सबका ले लिया, अच्छाई में भी ले लिया, बुराई में भी ले लिया. नहीं, क्योंकि उनकी सोल एवोल्यूशन ही अलग है. वो सिर्फ रेवोल्यूशन करने के लिए नहीं आए हैं, वो एवोल्यूशन करने के लिए आए हैं. और वो कुछ उनका कार्मिक फाइल्स थी या उनके कार्मिक लेसन्स थे, या गांधी जी को थप्पड़ खाना ही था. अगर वो रिएक्ट करते तो उन्होंने तो दूसरा गाल आगे कर दिया. परफेक्ट एग्जांपल इज महात्मा गांधी जी, कि आज के टाइम में हमने उनको देखा भी है, साईं बाबा को भी देखा है. साईं बाबा के लिए भी बहुत कुछ लोग बुरा भला कहते थे कि ये कैसे पॉसिबल है. जैसे आपने अभी कहा मिरेकल के बारे में, कि मिरेकल इज नथिंग बट इट्स ऑल्सो एन एनर्जी प्ले, इट इज़ एन हायर एनर्जी प्ले. ऐसे ये बहुत सारे लोग कुछ निकालते हैं, ये निकालते, ये कुछ नहीं है, ये बस एक एनर्जी चीज है. ओके, सिद्धियां बोलते हैं, लेकिन कई बार इस सिद्धियों को गलत, जैसे अभी मैं इसी के ऊपर आ रही हूँ, जैसे गॉड रियलाइजेशन मतलब दूसरा है कि सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ डिस्कवरी करोगे तो ही अपने आप को जानोगे, और तभी जैसे मैं बोल रही हूँ वननेस में आओगे. कर्म को अगर आप डेली बेसिस में एक्सेप्ट करोगे ना, तभी वननेस में आना बहुत अच्छा हो जाएगा. आज अगर मैं यहाँ से आ रही हूँ तो व्हीकल है या गाड़ी है या ट्रेन से आ रही हूँ, अगर किसी ने कुछ भुला भरा कह दिया एक्सेप्ट कर लो. यही बहुत डिफिकल्ट है कि तुमने बोला ही कैसे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है. क्योंकि ये छोटे छोटे टेस्ट है जो हमें रोज देने पड़ते हैं. हो सकता है वो 200 टेस्ट दिन के हो, तभी जब हम एक्सेप्टेंस में आएंगे ना तो जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा. अब मैं थोड़ा बहुत समझ चुकी हूँ कि कैसा क्या है, कब रिएक्ट करना चाहिए. कई बार कर देती हूँ, समझ में नहीं आता है, कई बार समझ में आता है. जब मैं जितनी ज़्यादा मैं अपने सोल से कनेक्टेड होती हूँ ना, उतनी ज़्यादा मैं कभी गलत जाती ही नहीं. फिर दुनिया जो चाहे बोलना है बोले, मैं अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करती हूँ.
और वहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा हाँ. कि हम मनुष्य हमेशा वो सत्व स्टेट में नहीं रहते हैं, कभी राजसिक स्टेट में भी रहते हैं, कभी तमस में भी चले जाते हैं, तब चले जाते हैं, उस वक्त हमारे से वो गलती हो जाती है हाँ. तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अवेयरनेस अवेयरनेस और सत्व स्टेट में सत्व स्टेट में. लेकिन प्रैक्टिकली एक इफ यू सी वो ऑल द टाइम तो पॉसिबल होता ही नहीं है. अभी हम जिस तरीके से बोलते हैं, मतलब अगर मेरी मैं ही अपनी ही बात करूँ तो मैं जब आई वॉज इन माई टीन्स आई यूज टू बी वेरी हाइपर, आई यूज टू शाउट अ लॉट. मतलब तब मैं कौन सी एनर्जी यूज करती थी? तामसिक एनर्जी, नॉट रजसिक एनर्जी. तामसिक इज समथिंग व्हिच इज रजस में तो आदमी थोड़ा एग्रेसिव बन जाता है. हाँ, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन में बोल सकते, थोड़ा सा इधर से ले लिया थोड़ा सा उधर. मतलब अब मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर भी मेरी एनर्जी समझ में आ रही है, तो अब तो ये आपके हाथ में हो गया ना कि अगर मैं चिल्ला के बोल रही हूँ तो मैं कौन सी एनर्जी यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप अवेयरनेस समझ सकते हो. ये छोटी चीज़ें पकड़ना बहुत आसान है. राजसिक तामसिक ऐसे मंत्र भी बहुत सारे हैं, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, वो बाद के जो आ गए वो तामसिक हो गए. तो उसका इस्तेमाल कम करो तो अच्छा है, क्योंकि उसको हमको जागृत नहीं करना है. क्योंकि हर इंसान जो आज ये लाइफ में आया है उसने अपनी उसने ज़रूर साधना की ही है, नहीं तो उसको इंसान का जन्म क्यों मिलता? कहीं ना कहीं उसने वो चाह भी रखी है. हम अलग अलग स्टेजेस से गुजर के आए, नो मैटर व्हाट. हम डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकते, वो एक परमात्मा का गेम ये है, बट रोल है. बट कहीं ना कहीं हम उस स्टेज से गुजर के तो आए हैं. तो मंत्र में भी है, मंत्र का भी बहुत बड़ा साइंस है. हम जिस तरीके से बोलते हैं, अगर मैं हार्ट से बोलूँ, गायत्री मंत्र बोलने के भी अलग अलग तरीके हैं. आप जिस तरीके से बोलोगे वो आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे. अगर मैं हार्ट से बोलूंगी तो मैं अलग तरीके से बोलूंगी, शायद मुझे वक्त लगे. लेकिन अगर मैं नाभि से बोल रही हूँ तो मेरे ईगो भी आ रहे हैं, मैं उस एनर्जीज को भी एक्टिवेट कर रही हूँ वहाँ पे. तो ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज हम गायत्री का जाप का जो साइंस है उसके ऊपर बहुत सारा और रिसर्च कर चुके हैं. मतलब कई बार आप गायत्री मंत्र करते हो, अगर घर पे कर रहे हो तो आप के जब भी आप डालते हो तभी भी आप ऐसे नहीं डालो कभी. वो एक तांत्रिक साधना होती है, आप ऐसे डालो, आहुति दो, आप दे रहे हो. गिविंग से मैंने अभी कहा कि गिविंग, प्रकृति हमेशा गिविंग होती है. ऐसे नहीं डालो, ये मेरी शक्ति है, मैं गिविंग हूँ. ओके, द पावर इज ऑलरेडी इन साइड, आई हैव टू गिव. वॉट इज फायर? इट इज अग्नि, इट इज नथिंग बट अ पावर. बट मैं दे रही हूँ, मैं आहुति दे रही हूँ. तो ऐसे देना होता है, और थोड़ा ही देना होता है. वो हम तो इतना ले लेके फोंकते हैं उसमें, और उसमें भी आपको कई बार सोल्स दिखाई देगी, कई बार आपको कृष्ण दिखाई देंगे. अगर आपने कृष्ण को इन्वोक किया, भगवान का हमने रूप दिए हैं, आपने हम फ्रेम्स लेके आते ताकि हमको अच्छा लगे उसको पूजना. जैसे मेरे घर में भी कृष्ण की मूर्ति है, जो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन सो आई वॉन्ट ब्यूटिफुल फिगर्स. तो मैंने कृष्ण को उस तरीके से लाया है, कोई अलग मूर्ति लेके आते हैं. तो मेरे अंदर की जो श्रद्धा है वो ही मैं लेके आऊँगी. ओके, नाउ लेट्स गो अ लिटल अहेड. अब जैसे मैंने कृष्ण की बात की तो मैंने कृष्ण के बारे में बोलूँगी, बिकॉज आज यहाँ पे उन्हीं का वाइब्रेशन ज़्यादा है. आप भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, आज उनकी एनर्जी भी यहाँ पे है, और मैंने मेडिटेशन में भी उनका ही लगाया था. ओम नमो नारायणा इज़ नथिंग बट कृष्णाज थिंग ओनली, मतलब विष्णु का ही है, बट एक फॉर्म तो एक ही है. जैसे आप बोलते हैं कि एनर्जी है, फॉर्म अलग अलग है, सबको अलग अलग अपील कर सकता है. कोई विष्णु की साधना करता है, कोई शिव की साधना करता है, अलग अलग चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कुदरत भी कितना अच्छा है कि एक चीज़ को अब बोलोगे लोगों को मानने के लिए, लोग मानेंगे. इसलिए तो रिलीजन भी अलग अलग हो गए ना, हिंदू अलग हो गए. यस, गॉड इज ओनली वन ना, एक ही कॉन्शियसनेस है. हमने जो भी किया है, हमारा लिखा चिखा, यस, पट्टा, अलग अलग रूप दे दिए, क्योंकि वो सोल की क्वालिटी शायद किसी और को माने. तो भगवान भी इतने सारे लोगों का ख्याल कैसे रखेगा? कहीं ना कहीं उसको कोई लीडर पैदा करने पड़ेंगे. इसलिए तो साईं बाबा ये रिसेंट फॉर्म में आए थे. आज अगर आप शिरडी जाओगे तो भले ही वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे बहुत बड़े चमत्कार होते हैं. जिसके बोलते हैं आप मिरेकल आप बोल सकते हैं, बट वो एक एनर्जी का ही प्ले है कि बाबा आपको बराबर उधर ही खींच के लेके आते हैं, वही पॉइंट पे लेके आते हैं. जैसे आज मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं डिवाइन रिलेशनशिप में
शिव का भी बोलूँगी और कृष्णा का भी बोलूँगी, कहीं ना कहीं मेरी डिविनिटी उनसे जुड़ी हुई है, तो इट्स बट ऑब्वियस वो आने वाला है। तो कृष्णा की, कृष्णा को आप जैसे देखोगे कि हमेशा बांसुरी के साथ देखोगे, एंड व्हेन यू हियर कृष्णाज बांसुरी, अगर वो सुनोगे तो आपको कैसे फील होगा? उस वो जो कृष्णा की बांसुरी है उसका एक एनर्जी वाइब्रेशन है जो कहीं ना कहीं हमारे सोल से रेसोनेट होता है। यू अंडरस्टैंड, अगर मैं दिखा नहीं पाऊँगी वो एनर्जी कैसी है, बट कभी हम म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में जाएंगे या इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम्स में जाएंगे तब हमें कैसा महसूस होता है? यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी नाइस। हम जिसको बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मतलब आप टोटल, मतलब वो बोलते हैं कि भक्ति में आप वो या तो हो जाते हो या आप कॉन्शियसनेस में कहीं और ही चले जाते हो, आपका शरीर वहाँ पर नहीं होता, आप शरीर नहीं होते हो। और हम इंसान जो है किसी को भी शरीर से ही देखते हैं, जैसे मैंने इनको कहा कि मैं इनको जो है इससे नहीं देख रही हूँ, मैं इनको एज अ सोल देख रही हूँ। तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारे मंत्र मुग्ध हो जाते थे, तो कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, एवरी वन यूज टू लाइक हिज फ्लूट। तो उस फ्लूट में ऐसा क्या था? वो फ्लूट में भी एक एनर्जी और कॉन्शियसनेस का ही फ्लो था। आज मैं ये समझ पाई हूँ इस टॉपिक की वजह से, नहीं तो मैं भी उसको एक बांसुरी वादन समझती थी। वो फ्लूट भी जो बनाया जाता है, वो बाम्बू भी सिलेक्ट किया जाता है, वो सीधा है या टेढ़ा है, उसकी रेजिलेंस क्या है, फिर उसको हॉलो किया जाता है, उसमें 8 होल्स होते हैं, एक एक जो है मुंह का है वो एक होल है, और ऊपर जो होते हैं अभी आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो 7 है, वो बांसुरी पे आपको 7 होल देखेंगे और उसका जो आउटलेट है उसको वो 8वां होल है, अ डिफरेंट डायमेंशन। यू नो व्हाट डज इट सिंबलाइज? इट सिंबलाइजेज आवर चक्रास। ये रियलाइजेशन आज सुबह ही मुझे आया, ये शायद प्लान नहीं था। तो ये सच चक्रों को रिसेंबल करता है। अब वो होल्स जो होते हैं अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो बांसुरी अच्छे से नहीं बजेगी। इसका मतलब क्या? आपको आपके चक्रों को क्लीन रखना पड़ेगा। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस फ्लो कैसे करेगी? कुंडलिनी शक्ति जो है अगर आप एक्टिवेट करते हो तो गलत तरीके से किया तो वो गलत तरीके से रिजल्ट देगी, लेकिन सही तरीके से उसको मेडिटेट करके एक्टिवेट किया तो आप दोनों का मिलन कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे चक्रस भी क्लियर होना ज़रूरी है। एंड द 8 होल्स इन द बांसुरी आर नथिंग बट द सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग। इट सेज दैट, हाँ, और एक कृष्णा ने कहा था कि उन्होंने पूछा था कि जो उनकी जो राधा थी और उनको सबको पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक, यू नो, तो आप मेरा कौन सा पार्ट बनना चाहोगे? तो किसी ने लोटस कहा, किसी ने वो उनका जो सुदर्शन चक्र होता है वो कहा, वो कॉन्च है, किसी ने और कुछ कहा कि मैं आपके बॉडी पार्ट का ये बनना चाहूँगी ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा रह सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम आपने फ्लूट क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि जो भी मैं अपनी डिविनिटी को म्यूज़िक के थ्रू ला रहा हूँ, मेरे फ्लूट के थ्रू ला रहा हूँ, और वो मेरे लिप्स से जुड़ा हुआ है, तो आपने फ्लूट्स को क्यों नहीं अपनाया? जैसे 8 मेन स्पॉट्स किस चीज़ से भरे हुए थे? ये ईगो से भी भरे हुए थे, माइंड, जैसे अभी आपने भी कहा था, इंटेलेक्ट, बुद्धि। ईगो को निकाल दोगे तो जो हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस है वो हॉलो हो जाएगा। ये भी हमारी एक बांसुरी ही है। हो सकता है मेरे जो मुंह है वो मेरे बांसुरी का जो टिप है वो है, लेकिन मेरे सच चक्र भी तो है ना। अगर ये मैं क्लीन नहीं रखूंगी तो मेरी वाणी कैसे आएगी? क्योंकि जब भी कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो सभी, ऐसे नहीं है कि कुछ ही लोग करते थे, सभी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो होता था वो एनर्जी का फ्लो बहुत एकदम फ्री फ्लोइंग था। अगर आप एक सिंपल एक गन को भी लोगे, अगर गन के अंदर का अगर आपने कचरा साफ नहीं किया तो आप शूट भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी चीज़ है। अगर पेंसिल को आपने शार्प नहीं किया तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो आपके अंदर की जो बोलते हैं जो हॉलो है उसको एम्प्टी करो, तभी तो डिवाइन कॉन्शियसनेस अंदर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? ईड़ा पीड़ा नाड़ी जब बैलेंस होगी तभी तो सुषमणा एक्टिवेट होगी, तभी तो कुंडलिनी ऊपर जागृत होगी ना,
नहीं तो किसी की तो नीचे ही जलती रहती है. इसलिए एक्सेसिव ग्रीड, एंगर, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेव होती है. अब आप रेप्स वगैरह देखते हो, ये क्यों होते हैं? एक्सेसिव कुंडलिनी. और अगर पूरी तरीके से कुंडलिनी जागृत कर दोगे तो यहाँ पे तो रह ही नहीं पाओगे. आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये जगह छोड़ना पड़ेगा, आपको हिमालय में जाके ही बैठना पड़ेगा. क्योंकि ये एनर्जी, ये इस सोसाइटी में तो आप रह ही नहीं पाओगे. या तो आप सुसाइड कर लोगे या तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत अलग ही शक्ति है. मैं जुबान से तो बोल ही नहीं सकती. क्योंकि जब आप सही रेगुलरली अगर मेडिटेट करोगे तो मैं जो ये ब्रह्मांड बोलती हूँ, जिसको हम आज के लैंग्वेज में बोलेंगे, साइंटिफिक बोलेंगे तो एस्ट्रल प्लेन्स बोलते हैं उसको. इस एस्ट्रल प्लेन्स का बहुत अच्छा से आप एक जर्नी कर सकते हो. बहुत सारा आपका सोल कोचिंग भी वहाँ पे हो सकता है. जो आज के लाइफ के आपके ज़रूरी लेसन्स हैं वो भी आप वहाँ पे ले सकते हो. तो जैसे कृष्णा की बांसुरी की तरह आपको भी आपका जो ये कोश है इसको हॉलो करना है, तभी तो अंदर एनर्जी आएगी. वो पॉसिबल है आप चक्रों को बैलेंस करके करो, ध्यान के थ्रू करो. एनर्जी को नीचे नहीं रहने दो, उसको ऊपर आने दो. कई बार क्या होता है कि एनर्जी आती है डायरेक्ट ऊपर, लेकिन हार्ट को बाईपास नहीं करती है, वननेस में नहीं आती है, तभी वो आता है. भले ही मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मेरा हार्ट को मैंने बाईपास कर दिया तो मेरा ईगो आ गया, क्योंकि यहाँ से कुंडली जो मेरी एनर्जी है वो डायरेक्ट यहाँ पे चली गई. तो जो मैं बोलूँ वो भी सही. बहुत बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को आप देखेंगे तो वो चिड़चिड़ करेंगे, एंगर होंगे, तो ये भी एक पार्ट है. तो इसलिए वननेस में आना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए सोल को समझना पहले ज़रूरी है, और मेडिटेशन में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को. और ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई है, इसको मैंने जो समझा, बाद में मैंने ये भी किया कि मैं जो समझ रही हूँ वो सही है ना, कि वो वैसे ही है. मतलब मेरी रीढ़ी तो मैं अंदर से साफ नहीं करूँगी तो क्या फ़ायदा ये शरीर होके भी. शरीर तो वैसे भी जाने ही वाला है, वो तो मेरे साथ रहने नहीं वाला है. लेकिन जो है मेरी सोल ही रहने वाली है. अब हो सकता है ये जन्म में मेरे पास पॉसिबल है ना, मेरे लिए कोई शिव शक्ति अगर मैं कंप्लीट करके आई हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैं ये स्टेट में हो सकता है, नॉट जस्ट इमीडिएटली, मेरे भी डिज़ायर्स है उसके लिए शायद मैंने जन्म लिया है, तो वो पूरे होके मैं समाधि स्टेट में भी जा सकती हूँ. नाउ व्हाट आर दिस 8 होल्स जिसको हम बोलते हैं, कि ये 8 डोर्स टू बॉडी. एक होता है हमारा फिजिकल बॉडी का, दूसरा होता है हमारा माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, इसको हम सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं. देन हमारा थॉट बॉडी, जो हम सोचते हैं. जैसे मैंने कहा कि आपने बोल दिया लेकिन मुझे लेने की क्या ज़रूरत थी? भगवान ने तो नहीं बोला ना कि तू ले ले वो बोल रहा है करके. इट्स नॉट अ बार्टर सिस्टम. देन हार्ट, इमोशनल बॉडी, मतलब हम दूसरों के लिए कर लेते हैं, छोड़ दो ना मैं उसके लिए कर देता हूँ, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है. जैसे माँ और बेटे, माँ बोलती है कि छोड़ मैं कर देती हूँ, लेकिन बेटे को तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रही है. कहीं ना कहीं वो इमोशनल, फिर उसने कुछ गलत कर दिया तो कौन हॉट होता है? माँ हॉट होती है. या फ्रेंड्स के बीच में बोलो. दूसरा है फीलिंग्स, क्या आप फील कर रहे हो. नो माइंड, ये दिस आर द 8 डोर्स टू अ बॉडी वेर यू कैन अचीव द अल्टीमेट गोल. नो माइंड, न्यू माइंड. अब ये सब करने के लिए आपको ये कोश खाली करना पड़ेगा, तभी आप ये डोर्स एक्टिवेट कर पाओगे. और सातवां है साइलेंट बॉडी, मतलब शरीर ही नहीं है, कि हम बैठे हैं लेकिन पता नहीं क्या है. अगर आप किसी को भी समाधि स्टेट में देखोगे तो ये दो चीज़ें आपको दिखाई देगी, साइलेंट स्टेट और निर्वाणा जिसको हम बोलते हैं. यस, निर्वाणा. वहाँ पर आप ट्रांसेंड करते हो, फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन, फिर आप वो उस एनर्जी के साथ एक होते हो और आपकी सोल लेवल भी अलग हो जाती है. उस स्टेट के बाद समाधि लेना है, आप समाधि ले सकते हो. फिर वहाँ पे शरीर नहीं मायने रखता, फिर यहाँ पे ये नहीं है. इसके लिए मेरे जो 8 होल्स है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. न्यू माइंड क्या है? नो माइंड मतलब नो माइंड और न्यू माइंड मतलब माइंड ही नहीं है मेरा, मतलब एक नया तरीके का माइंड, मतलब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब एक नया ही माइंड हो गया ना. नो माइंड और न्यू माइंड, कुछ भी नहीं है.
ना मैं आपको सोच के कुछ अजम्पशन करूँगी, मैं कुछ सोचूंगी नहीं, मतलब मेरे अंदर सोच ही नहीं है तो माइंड कहाँ से है? फिर माइंड चलेगा ही, मैं खाद ही नहीं डाल रही उसको. नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट रजिस्टरिंग, इट इज़ नॉट अबाउट रिएक्टिंग. कि रिएक्ट ही नहीं मैं कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए. माइंड में रजिस्टर तब होगा, माइंड में रजिस्टर तब होगा जब आप हर छोटी छोटी चीज़ों को रिएक्ट करोगे या उसको फील करोगे या उसको एनालाइज करोगे. तो रिएक्शन ही हो गया ना वो, या वो एनालाइजेशन हो गया या फीलिंग हो गया, तो वो रिएक्शन ही हो गया. यहाँ पे तो है ही नहीं. नो इनपुट मोड. यस, जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी. पानी कैसे अच्छे से बहता है? अपने पानी को देखा है? पानी का कभी ईगो है? पानी का तो कभी ईगो नहीं है. वो हर एक इंसान के पास जाता है, चाहे वो पशु हो या प्राणी हो या इंसान हो या कोई भी हो, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्लोइंग. वो जो फॉर्म दो वो फॉर्म बन जाएगा. आप उसको सॉलिडिफाई करो तो वो आइस बन जाएगा, आप उसको वेपराइज करो तो वो स्टीम बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोई फॉर्म ही नहीं है. वो एक प्रकृति का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आप फ्लावर्स को भी देखो, आप फ्लावर्स को रोज उगते हैं, रोज मरते भी हैं. इट इज़ सो परफेक्ट. इसको हम बोलते हैं कि रोज आना रोज जाना, लाइफ एंड डेथ कितना होता है. लेकिन जब वो भगवान को चढ़ते हैं तब वो ट्रांसेंड हो जाते हैं, तब उनकी एक सोल लेवल आगे चली जाती है. यस, हम जो फूल चढ़ाते हैं, हाँ, लोग बोलते हैं कि भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जब जिस भावना से तुम भगवान को चढ़ा रहे हो तो वो फूल तो पावन हो गए. यस, बिकॉज आपने एक फीलिंग से चढ़ाया वो भगवान को. यस, बाजार में इतने सारे फूल के ट्रक भर के आते हैं, उन्होंने इतना क्या क्रेज़? क्यों हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं फूल? तो उसमें भी एक सोल को हम आगे कर रहे हैं. यस, क्योंकि मैंने भावना दे दी कि ये मैं अपने कुछ इसके लिए तुमको चढ़ा रहा हूँ, तो वो फूल भी उसमें आ गए. बट इसमें मेरा भी तो इवोल्यूशन हो रहा है. आपका हुआ, लेकिन वो फूल, हाँ, फूल का भी इवोल्यूशन हो रहा है. हाँ, वो फूल भी तो एवोल्यूट हो गए. अच्छा, एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट वापस एक पूछे कि आपने जो वर्ड कहे हैं उस वर्ड्स के ऊपर मैं जाना चाहूंगा. वेन यू से कि बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, साधना नहीं है, साधना करते हैं, बरोबर. ऐसे लोग हैं कि जो हम जिन्हें हम स्पिरिचुअल कहते हैं, काफी अपलिफ्टेड है, बट उन्होंने हार्ट चक्र को बाईपास किया. सो अभी एक सिम्टम को एनालाइज करते हैं, मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा आगे जाती हूँ और फिर हाँ, ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है. या यू कैन से ऐसा, अगर व्यक्ति हमारे लाइफ में आ गया है, जिसको आपने कहा कि सिद्धि उसको प्राप्त हुई है और हार्ड चक्र को बाईपास करके आगे के चक्र में आ गया. नहीं, ये आप बोल नहीं सकते हो, इसको कभी भी एनालाइज नहीं करते हो. सिद्धियाँ सबको मिलती है, ये आप खुद ही जानोगे. ये जैसे मैंने कहा ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन का गेम है. ये आप एनालाइज नहीं कर सकते उसको मिली या उसको ना मिली. अगर वो सिद्धियों का इस्तेमाल कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कर रहा है या मिराकल दिखाने के लिए कर रहा है तो वो गलत कर रहा है. या मैं भी उसको डिफाइन नहीं कर सकती वो गलत है या सही है. वो सिद्धियाँ क्यों मिलती है? नहीं, वो सिद्धियाँ इसलिए मिलती है क्योंकि हमें सेल्फ एवोल्यूट होना है. इसे हमें जैसे बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट में नहीं लाना है. समझ रहे हैं? कि कृष्णा ने जब सुदर्शन चक्र अपने हाथ में डाला था तब तो वो आए, जब भी महाभारत हुआ था उसने एक की ही गर्दन क्यों काटी? क्योंकि हर गर्दन नहीं वारी होती है वो उस सुदर्शन चक्र के लिए. हर गर्दन नहीं वारी होती है वो सुदर्शन चक्र के लिए. उसने एक ही को काटा. यू नो दैट सुदर्शन चक्र से उसने एक ही का सिर काटा था, तो एक ही का क्यों काटा? वो चाहता तो वो पूरा एक साथ ही कर देता, उसमें तो इतनी सिद्धि है. वही बंदा सोर्स था? नहीं, इट वॉज नॉट अ सोर्स, बट वो एक ही चीज को क्यों किया? वो चाहता तो वो जल्दी खत्म कर देता, तो वो सिद्धियां वहीं यूटिलाइज हो जाती. तो वो एवोल्यूशन होना भी जरूरी था ना. एवोल्यूशन नहीं होता तो कैसे समझ में? आज के लाइफ में भी हम महाभारत के ही कैरेक्टर्स हैं.
कभी हम कृष्ण बन जाते हैं, कभी हम द्रौपदी बन जाते हैं, कभी हम युधिष्ठिर बन जाते हैं. अगर आप ये थॉट भी कहीं मुझे आया कि कहीं कभी मैं द्रौपदी बन जाती हूँ, कहीं मैं गांधारी बन जाती हूँ, कि कई बार मैं इग्नोर कर देती हूँ कई चीज़ों को, तो कौन सी पात्र हो गई मैं गांधारी? मतलब मैं जान के भी अनजान बन रही हूँ, तो कौन सी पात्र बन रही हूँ? यस, सिम्बॉलिक. तो आज के लाइफ में भी महाभारत है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे. तो इट इज नथिंग बट ऑल्सो इन रियलाइजेशन. क्या होता है, आपने जैसा कहा जो